हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। और मैं अब थ्रेडिंग करके आई हूँ, शादी में जाना है इसलिए थ्रेडिंग किया है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बताएंगे अच्छा है या बुरा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर बाद हम शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, कपड़े वपड़े पहनेंगे, मेकअप सेकअप करेंगे। ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। और ठीक है, आप लोगों को दिखाएंगे हम। ओके, अब वीडियो को देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, ये जो मेकअप के सामान है और ये मैं पहनूंगी, ये मेकअप भी करूंगी, सब लोगों को दिखाएंगे। लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा मेकअप हो गया है आधा अधूरे, लेकिन मेकअप करने के बाद मैं मिक्सर में ये सब पीसकर, अदरक लहसुन पीसकर मटन बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। ये बनाकर थोड़े बाद हम शादी में चले जाएंगे। देखिए कितनी मुश्किल है नए नए कपड़े पहनकर किचन में काम करना, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये सब करके हम एक घंटे के बाद शादी में जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, आप देखते रहिए। मटन में मैं सारे मसाले दे दिए हैं और तेल भी देंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। लेकिन ये गैस पर मैंने सरा दिया और अब मेरा मटन को मैं मसाले से सामोस से मसाला ठीक कर दिया। और मैं रूम में चला ही, रूम में आकर ये देखिए क्या, मेरा तो आधा मेकअप था करने के लिए। और मेरा बेटी मुझे बहुत सता रही है, क्योंकि मैंने जो रस्सी है ना, एक एक कपड़ा इधर उधर से चला जाता है, नए कपड़े है, इसलिए मैं जो भी पाया मैं रस्सी से, मैं कमर से बांध लिया, कपड़ा को बांध लिया। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा गंदा नहीं हो गया, इसलिए मैंने बांध कर मेकअप करने के लिए सब किया है। किचन में गया ना, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, मेकअप भी देख सकते हैं। मेरा मेकअप हो गई, लेकिन मैं लिपस्टिक नहीं लिया, आप लिपस्टिक लूँगी। और मैं किचन में खाना भी बना रही हूँ। और मेरा सैंडल कहाँ गया? इधर बॉक्स के पीछे। और कहाँ? अब एक घंटे के बाद हम शादी में जाएंगे, आप देख लोगों को दिखाएंगे शादी की क्या क्या होती है। हाँ, हम अब मटन बना रहे हैं, पका रहे हैं, और आप लोग को दिखाएंगे। अभी तो पक रही है, सीटी मारने होने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। सारा रूम बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद आप लोगों को मैं मेकअप कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिपस्टिक लगा लिया और मेरा मेकअप कंप्लीट। ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन शादी ब्याह का मामला है ना, इसलिए थोड़ा लिपस्टिक ज़्यादा लग गई। मैं भी तो जीस लगाऊंगा। अब मैं रूम की साफ सफाई करूँगी, थोड़े बाद शादी में जाऊँगी। और मैंने ये सूरी भी पहन ली, कमेंट में बताएगा कैसे लग रहा है। सूरी पहन लिया है, ये मैंने ब्रेसलेट पहन लिया है। पहन लिया। हम शादी में पहुंच गए और शादी में पहुंच कर बैठकर हम कॉफ़ी पी रही है। और उसके बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाए, कॉफ़ी पी कर खाना खाने के लिए चली भी गई। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे हम। और ये मेरी बेटी भी मेरे साथ कॉफ़ी पी रही है, और
अब तो खाने के लिए बुला ही लिया है तो जाना भी पड़ेगा, इसलिए हम चले गए। ये दूल्हा दुल्हन बैठे हैं उस तरफ और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही इसलिए कि मेरा ससुर जी भी मेरा साथ है, इसलिए मोबाइल निकल कर रिकॉर्ड करना मुश्किल भी हो रहा है। ये खाना थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है मैंने, और भी रेसिपी है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। खाना खाने के बाद हम दूल्हा दुल्हन के साइड में बैठा था, बहुत लोग फ़ोटो खींच रहे, हम भी देख रहे हूँ फ़ोटो, हम भी फ़ोटो भी खींच रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मज़ा भी आया है शादी में जाने के लिए। और ये दूल्हा दुल्हन थोड़ा सा रिकॉर्ड मैंने किया है, ये दुल्हन तो शर्म के मारे मुंह भी उठा नहीं रहा है, ब्यूटीफुल है, अच्छी भी लग रही है बहुत। और मेरा ये मेरा पतिदेव है, चुपके से वीडियो बना रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, और पता चल गया कुछ भी नहीं कि इसलिए मैं ये ब्लॉग में आना नहीं चाहते थे, मैं आज ब्लॉग में उसको ले भी लिया हूँ रिकॉर्ड में। और हेलो फ्रेंड्स, हम शादी से चलिए घर से लिए, आप तो कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगी। हाय हाय, मैं तो छोटी हूँ इसलिए मैं आपको देख नहीं सकती। ये मेरी तो कपड़े देखा, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया इसलिए। ये देखिए इस टेम पर रखा है ना, इसके लिए मैं थोड़ी सी छोटी लग रही हूँ, मैं देख नहीं सकती इसलिए। बाय, थोड़ी सी छोटू हूँ ना, छोटू इसलिए तो मैं ये कपड़े अब चेंज नहीं करूँगी, जब रखेगी तभी चेंज करूँगी मैं। ओके, ऐसा मैं जाना जाना दुख दे बीबी तेरी को लगता है समय और समय 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 जग दे उम्र मेरा रात लगता है समय और समय 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 जीती है मैं तेरी सलक शरती है मदक बुफरी तेरी सलक ठंडी और नली बातें करे हंदी। हाय, मेरी मम्मी का सब्सक्राइब कर देना, और यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ओके, मेरा डांस अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। तेरी सलक और तुम्हें आने के तक तुम मैं आने के तक तुम तुम्हें आने के तक देगा लेकिन वह अगर मुझे चला रहे थे ऐसे लेकिन वह मेरे इस तल और एक आप फेस होंगी और कपड़ा सेंस करूंगी। देखिए ना, मुझे तो देखिए मुझे तो चक्कर आ रही है, हम पेट भर गया है। ओ माय गॉड, तो जो सुन अब तो अब जो सुन खो गई दिया ना, खो गई जो सुन हो गोल ना, खो गई दिया ये नीचे ना मार दो प्लीज मम्मी, नीचे ना मार दो ना प्लीज मम्मी, मम्मी नीचे कर दो, नीचे काटो ना, काटो 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 ठीक है। हाँ ठीक है मम्मी, मम्मी मुझे चक्कर आ रही है, मम्मी मुझे चक्कर आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ये वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ये मुझे वीडियो करने नहीं देती। हाय, मेरी मम्मी है ये हम चेंज कब करेंगे जानते हैं? 5 घंटे पर क्या बोल रहे, 5 घंटे पर चेंज करूँगी।
5 घंटे। आपको अगर आपको मेरी ये साड़ी वाला व्लॉग अच्छी लगी तो आप सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।